वेलकम गाइस टू टेक्निकल संजू। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल संजू में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फोन के बारे में जो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग की एम सीरीज लॉन्च होने वाली है। सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज जल्द ही लॉन्च होने वाली है, अमेजोन पे आपको देखने को मिलेगा। एम सीरीज लॉन्च होगी 28 जनवरी से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे ही एक एम सीरीज के फोन के बारे में, बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M30 के बारे में। M30 में ऐसा क्या है जो आप ले, और M20 में ऐसा क्या है कि आपको वो लेना चाहिए, और M10 में ऐसा क्या है। तो M सीरीज के 3 फोन लॉन्च होने वाले हैं, M10, M20 एंड M30। मैं बात करूंगा M30 के बारे में। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपसे M सीरीज के बारे में, M30 की बात करते हैं अब। तो दोस्तों इसमें जो हमारे को कैमरा मिलेगा, इसका हमें जो कैमरा मिलेगा 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। उसके बाद हमारे पास एक और कैमरा मिलेगा जो हमारे पास ऑटो फोकस के लिए यूज़ होगा। जो हमारे पास तीसरा कैमरा मिलेगा वो डेप्थ सेंसिंग के लिए यूज़ होगा। तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और डेप्थ सेंसिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। इसमें कंपनी ने थोड़ा सा ये कम किया है कि यार कैमरा थोड़ा हाई रेजोल्यूशन का देना चाहिए था, क्योंकि एम थर्टी है, अच्छा बजट का फ़ोन है। तो इसमें हमारे पास एक अच्छी रेजोल्यूशन के साथ कैमरा मिलता है, 20 मेगापिक्सल का या 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता, तो काफ़ी अच्छा था। अब देखते हैं, ऑफिशियल्स नहीं है हमारे पास, एक र्यूमर्स हैं, तो लेट्स सी कि हमारे पास रियल में क्या देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की। ये बैटरी में तो कमाल कर दिया इसने, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। 5000 mAh की एक बंडल्ड इतनी ज़्यादा बैटरी हमें आज तक कि कैमरे में सैमसंग के में हमें नहीं देखने को मिली है। तो सैमसंग के हमारे पास कैमरा तो अच्छा देने ही वाली है, बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा देगी। तो 5000 mAh का बैटरी बैकअप मिलेगा, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है। अब देखते हैं इसमें हमें क्विक चार्ज कौन सा मिलता है, ताकि हमारे पास अगर बैटरी बड़ी है तो चार्ज भी जल्दी हो। इतना टाइम नहीं लगेगा के पास कि यार बैठे रहें और चार्ज करते रहें फोन को। तो क्विक चार्ज 3.0 और क्विक चार्ज 4.0 का फीचर हमें देखने को मिलना चाहिए। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। इसके पास हमारे पास जो प्रोसेसर है, इसका खुद का प्रोसेसर मिल रहा है हमारे पास, जाइनोस का। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 660 देखने को भी मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके मेन फीचर, जो मेन फीचर्स का स्क्रीन डिस्प्ले है, IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और हमारे पास 6.3 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे पास 9 डिस्प्ले देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया, 2019 के जितने भी फोन्स लॉन्च होंगे हमारे पास इस फोन में 9 डिस्प्ले देखने को मिल रही है। जी हाँ, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। 64GB का इंटरनल स्पेस देखने को मिलेगा और 4GB का रैम मिलेगा, जिसमें कि हमारे पास अच्छे अच्छे गेम्स खेल सकते हैं, एसवर्ड खेल सकते हैं, पबजी खेल सकते हैं, काफ़ी सारे अच्छे गेम बड़े ही आराम से खेल सकते हैं, क्योंकि 4GB का रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकता है। और बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप के, आगे बढ़ते हैं, इसमें कितना ड्यूरेशन मिलेगा और सेंसर्स क्या मिलते हैं। जी हाँ, प्रॉक्सी बैटरी सेंसर मिल रहा है हमें, और हमारे पास जायरो सेंसर मिल रहा है, और ये सारे सेंसर्स हमारे पास काफ़ी अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि सैमसंग ने काफ़ी अच्छा काम किया है अपने सॉफ्टवेयर पर इस बार। तो ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही हैं। इसका एंड्रॉयड का 9.0 देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं एंड्रॉयड पाई। तो एंड्रॉयड पाई हमारे पास लेटेस्ट है एंड्रॉयड में से। हमारे पास गूगल ने काफ़ी एंड्रॉयड फीचर में से हमारे पास जो एंड्रॉयड पाई है, काफ़ी अच्छा एंड्रॉयड का प्रोसेसर, सॉरी OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास इसका लेटेस्ट है। एंड्रॉयड 8.1 के बाद हमारे पास एंड्रॉयड 9.0 देखने को मिल रहा है, जिसे एंड्रॉयड पाई कहते हैं। जी हाँ, अब बात करता है उसकी चार्जिंग की। तो हमारे पास टाइप सी देखने को मिल रही है, लेटेस्ट चार्जिंग का पॉइंट मिल रहा है टाइप सी। कुछ लोग इसे पसंद करते हैं मेरे दोस्त, कुछ लोग मेरे दोस्त नहीं पसंद करते हैं। जिन लोगों को नहीं पसंद आता है टाइप सी, वो नहीं चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको टाइप सी चाहिए इस फोन में या टाइप सी नहीं चाहिए। अब बात करता हूँ इसके अदर फीचर्स की। अदर फीचर हमारे पास क्या इसमें ऐसा बेटर मिल रहा है, सबसे बेटर फीचर इसका हमारे पास 5000 mAh की बैटरी। जी हाँ, जो बैटरी जो है इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलने से तो काफ़ी अच्छा रहेगा फोन का फीचर के साथ साथ। हमारे पास पूरा दिन निकल सकता है बड़े ही आराम से, और हमारे पास 9 डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। फ़ोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है हमारे पास फैब में, तो देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या ऐसे फीचर्स हमारे पास देखने को मिलते हैं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नए हैं तो आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ अपडेट्स आते रहें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, टेक केयर एंड जय हिंद।